देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच इंदौर दुग्ध संघ ने किसानों को बड़ी राहत दी है। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल ने बताया कि दुग्ध उत्पादन लागत एवं महंगाई में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए दुग्ध संघ संचालक मंडल द्वारा दुग्ध उत्पादक किसानों के हित में निर्णय लेते हुए दूध के खरीदी भाव में 20 पैसे प्रति फेट की वृद्धि करते हुए 1 मई 2022 से 7 रुपए 20 पैसे प्रति फेट में दूध क्रय करने का निर्णय लिया है। वर्तमान परिस्थिति में महंगाई को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को राहत देते हुए दूध विक्रय भाव में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों को यह सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इंदौर दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान में महंगाई को देखते हुए जहाँ खली भूसा जानवर महंगे हो रहे हैं, इंदौर दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान में 7 रुपये प्रति फेड़ का भाव दिया जा रहा था, 1 मई से उसको बढ़ाकर 7 रुपये 20 पैसे प्रति फेट कर दिया गया है। किसान भाइयों को 1 रुपये से 2 रुपये प्रति लीटर का इसमें फायदा होगा। वहीं उपभोक्ता भाई बहनों के लिए राहत की बात है, वर्तमान में इंदौर दूध संघ के द्वारा किसी भी प्रकार का दूध के विक्रय भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से दुग्ध उत्पादक किसान भाइयों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप चिंता नहीं करें। इंदौर दुग्ध संघ वर्तमान समय में प्रदेश के जो 6 दुग्ध संघ है उनमें सर्वाधिक क्रय भाव दे रहा है। आने वाले दिनों में और भी हम प्रयास करेंगे कि हमारे किसान भाइयों को 1 से 2 रुपये लीटर का और अधिक हम भाव दे पाएँ। पुनः मैं आप सबको हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय सहकार। मोती सिंह पटेल, अध्यक्ष इंदौर सहकारी दुग्ध संघ सांची। दीपालपुर से संदीप सैन की रिपोर्ट।